हेलो एवरी वन माई नेम इज अभी यू आर वॉचिंग सिक्स पा पूरा एंड ये वीडियो है थर्ड पार्ट जाव स्क्रिप्ट का एंड इसमें हम करने वाले हैं एफ एल स्टेटमेंट लूप्स स्विच स्टेटमेंट एंड लूप्स में करेंगे फॉर लूप्स वाई लूप्स डू वाई लूप्स एंड आई नो इससे पहले तुमने नहीं सुनूंगे किस टाइप के लूप्स हैं तो बिना टाइम वेस्ट इसकी सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड पहले के पार्ट जरूर देखना तभी ये वीडियो समझ में आएगी सो so, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके सो हमारी इंडक्स डॉट एस एम एल फाइल और इंडक्स जे एस फाइल एज इट इज़ है अब मैं राइट क्लिक करके ओपन विद सफर करता हूँ एंड ये स्टार्ट हो चुका है सो so, मैंने स्प्लिट कर दिया एस टी एम एल क्लोज एंड अभी जावास स्क्रिप्ट है एंड एस टी एम एल में से जो हैडिंग थी मैं इसको हटा देता हूँ नहीं चाहिए क्लोज़ और यहाँ से ये हटा के हमारी एम टी सी जे एस फाइल अभी मुझे क्या सिखाना है यहाँ पर एल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान से समझना क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमेशा चॉइसेस होती हैं राइट तुम्हें तो स्कूल जाना है या नहीं जाना तुम्हें कॉलेज जाना या नहीं जाना तुम्हें तो तो पैसा कमाना है नहीं कमाना उसने किसान चॉइस नहीं कि है सबको कमाना है सो <laughs> so, हर चीज़ की चॉइस होती है सो so, अगर मैं कह देता हूँ लेट ए एक वेरिएबल इज इक्वल टू टेन ठीक है या आइसक्रीम रख देते हैं आइसक्रीम इज़ इक्वल टू टेन ये एक वेरिएबल है आइसक्रीम जिसकी वैल्यू टेन तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कौन सा लोग करना चाहता हूँ क्या आइसक्रीम इज ब्लू लगून राइट सो मुझे क्या करना है इसे कौनसो लॉक करना है सेव करके दिखाता हूँ कंसोल खोला मैंने और यहाँ पे देखो आ गया आइसक्रीम इज़ ब्लू लगून बट ये मुझे करना है अगर ये जो आइसक्रीम वेरिएबल है इसकी वैल्यू दस है क्योंकि दस की आती है ब्लू लगून ये करना है जब अदरवाइज़ अगर आइसक्रीम की वैल्यू तीस है तो मुझे इसे कौन करने के बजाय करना है आइसक्रीम इज कॉर्न या फिर कॉन नेटो सो so, ये दोनों हो रहे हैं इस वक्त क्योंकि एज़ इट इज़ एक के बाद एक हुई कोड और दोनों हो गए बट मुझे जैसा कि मैंने चॉइस बताइए अगर इसकी वैल्यू दस है तब करना है ब्लू लगून अदरवाइज इसकी वैल्यू तीस है तब करना ये सो so, उसके लिए हमारे पास है इफ़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट तो मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ इफ़ लगाऊंगा इफ कंडीशन राइट या तो इस पर क्लिक कर दो सेंटेक्स आ जाएगा बट हमें ऐसे नहीं करना हम खुद लिखेंगे इफ़ उसके बाद एक ब्रैकेट जिसमें हमें कंडीशन लिखनी है इसके बाद यहाँ कल्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं पैरंथीसिस जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं सो तो इसमें हमें कंडीशन लगानी है और यहाँ पे फिर वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आइसक्रीम क्रीम टू दस तो ये कौन सा लोग होना चाहिए राइट अभी मैं सेव करूँगा तो कुछ नहीं हुआ क्यों क्योंकि एक चीज़ है ऑपरेटर्स कुछ वो बताने हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कर दिया इक्वल टू में वैल्यू वैल्यूशन कर दिया तो पहले तो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ एल से पहले कुछ ऑपरेटर्स ठीक है या कमेंट ऐड कर देता हूँ ऑपरेटर्स तो सबसे पहले तो वही बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड ये परसेंट परस ये तो तुम्हें पहले पता है प्लस माइनस मल्टीप्ला डिवाइड मॉड्यूल ऑपरेटर को बताता हूँ अगर मैं करूँगा ए मॉड्यूल या फिर हंड्रेड मॉड्यूल टू तो मुझे क्या मिलेगा और इसको अगर मैं इस पहले तो सबको कॉमेंट करता हूँ सब खत्म ही कर दिया मैंने ठीक है सिर्फ एक ये लाइन लिखी है इसको मैं कौन सा लोग कर रहा हूँ ये वाला ऑपरेटर है। सो अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आना चाहिए अगर मैं इसके बजाय डिवाइड करता तब तो तुम्हें पता होता डेफिनेटली फिफ्टी आता बट इसका क्या मतलब है ये इसको डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर देगा क्या है अब इससे डिवाइड करने पर ओबियसली रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो अगर मैं सेव करूँ रिमाइंडर ज़ीरो बट इसके बजाय ये करूँ तो ऑब्वियसली रिमाइंडर वन आने वाला है सो वन आ जाएगा सो टू के बजाय मैं मान लो लेता हूँ सेवन और रिमाइंडर क्या आएगा थ्री आ गया सो सेवनटी कर दूँगा सेवन टेन जो सेवनटी होता रिमाइंडर ज़ीरो आया तो जीरो आ जाएगा लेकिन लेकिन इसकी बजाय अगर मैं करता हूँ सिक्सटी नाइन सो ओबियसली रिमाइंडर क्या आएगा सिक्स आना चाहिए सिक्स आया सो तुम्हें पता लग गया इससे हमें रिमाइंडर मिलता है जब भी हम ये करते हैं राइट एंड सिक्सटी थ्री करूँगा तो ओबियसली नाइन से कट जाता है रिमाइंडर ज़ीरो एंड इसकी बजाय अगर मैं ये करता तो मुझे नाइन मिल जाता क्योंकि नाइन से डिवाइड हुआ है सिंपल डिवाइड वाला सो so, तुम आई होप तुम्हें मॉड्यूलर ऑपरेटर समझ में आ गया होगा यह था मॉड्यूलर ऑपरेटर राइट right. सो so, ये होते हैं बेसिक हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जैसा कि तुम्हें पता प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड ब्लाबला इसके बाद होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स इसके आगे एक मैं इक्वल स्टोर ऐड कर देता हूँ क्योंकि इससे वैल्यू साइन होती है ऊपर तुमने देखा है कैसे अब कंपेरिजन ऑपरेटर क्या है जो इफ़ेल्स में यूज़ होता है कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को सो so, तुमने देखा आइसक्रीम इज इक्वल टू टेन लिखा था खाली एक इक्वल टू लगाया उसका मतलब वैल्यू साइन कर रहे हैं जैसे ऊपर करिए सो कम्पेयर करने के लिए सबसे पहले है हमारे पास ये इससे हम करते हैं कंपेयर बल्कि मैं इसे हटा देता हूँ ताकि तो ये दिखे थोड़ा पहला होगा ये कंपेयर करने के लिए सो तो अगर मैं कौन सौ लोग करता हूँ टेन इक्वल टू टेन तो अब क्या आएगा ट्रू आ गया क्यों क्योंकि इन कम, इसने कंपेयर किया और इसे पता लग गया ओबियसली ट्रू है अब मैं इसकी वजह कर देता हूँ तो, तो क्या आएगा टेन और ये इक्वल है ओबियसली नहीं ये फॉल्स आ जाएगा सो ये होता है कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू अभी मुझे क्या करना है कि मुझे देखना नॉर्मली ग्रेटर देन तो फॉल्स आ गया लेकिन इसको और मैं इलेवन कर दूँ हूँ तो ट्रू आएगा ऑब्वियसली राइट तो क्या क्या पता लग गया एक तो इक्वल्स टू ग्रेटर देन ऐसे ही स्मॉलर देन ऐसे ही ऐसे ही एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मतलब या तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू सो अगर मैं इसको करता हूँ अभी ट्रू आएगा क्योंकि ये बड़ा है लेकिन अगर मैं इलेवन कर देता हूँ अब ये बड़ा नहीं है लेकिन अब भी ट्रू आएगा क्यों आएगा ट्रू क्योंकि मैंने कह रखे या तो बड़ा हो या इक्वल हो और इक्वल है सो so, एक साथ दो कंडीशन चेक हो सकते हैं इसमें एंड सेम गोज फॉर लेस देन इक्वल टू अब भी ट्रू आएगा क्योंकि इक्वल है लेकिन द मोमेंट मैं इसको करता हूँ ट्वेल्व अब भी ट्रू आएगा क्योंकि ये बड़ा इससे पर इसको इलेवन छोड़ के इसको ट्वेल्व करता हूँ अब फॉल्स आएगा क्योंकि ना ये इक्वल है इससे और ना ही छोटा ये वाला ये वाला बड़ा है इससे राइट सो या सो इक्वल टू का ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन एंड स्मॉलर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड इसके अलावा लास्ट बचा नॉट इक्वल टू सो so, इसमें क्या होगा अगर मैं कर देता हूँ ये इसका मतलब क्या है ये और ये इक्वल है मैं ये कह रहा हूँ राइट इसलिए फॉल्स आ गया अब इसके बजाय मैं ये कर रहा हूँ एक्सलेमेटरी और इक्वल्स इसका क्या मतलब है मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू ये बेसिकली इसका ऑपोजिट है नॉट इक्ल टू मैं कह रहा हूँ ये और ये नॉट इक्वल है ओब्वियसली नहीं इक्वल नहीं तो ट्रू आ जाएगा सही है बात मेरी से सही है लेकिन इसको अगर मैं ट्वेल्व बना दूँ अब 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 क्या आएगा ट्रू आएगा फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा क्यों क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और मैंने कंडीशन लगा रखी है कि ये दोनों इक्वल नहीं है सो so, मेरी बात झूठी है एक्चुअली फॉल्स आ गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं मैंने बोला वह इक्वल नहीं है पर ये इक्वल है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब इसलिए फॉल्स आ गया आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी अब एक चीज़ ये जो ऑपरेटर बताएं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सही में होते हैं बट ये हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा इसमें कुछ नया हो रहा है जो कि क्या है जो कि है ट्रिपल इक्वल टू इसका क्या मतलब है अगर मैं अभी करता हूँ तो देखो क्या आएगा ट्रू आ गया राइट इसमें और इसमें क्या फ़र्क है जब हम दो इकोल्सों की बात करते हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं राइट और इसके बजाय अगर मैं ट्वेल्व स्ट्रिंग रखूँगा तो क्या आएगा ट्रू आएगा फॉल्स आएगा ये बताओ देखो ट्रू आया क्योंकि तो इसके हिसाब से ये और ये इक्वल है दोनों ट्वेल्व भी हैं बट जब हम ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं तब ये वैल्यू के अलावा टाइप भी चेक करता है अब ये और ये दोनों टाइप में भी मैच होने चाहिए बट ऐसा नहीं है ये नंबर है स्ट्रिंग है तो इस बार फॉल्स आएगा राइट बट जब मैं इसको हटा देता हूँ डबल ये रहता तो ये वैल्यू चेक करता दोनों ट्वेल्व में इसलिए ट्रू सो आई होप तुम समझ गए हो ये चीज़ और ये सिर्फ इसके केस में नहीं है इक्वल टू के ये नॉट इक्वल टू के केस में भी है इसलिए ट्रू आ गया देखो अब ट्रू क्यों आया क्योंकि अगर मैं इसको बता देता हूँ नंबर खाली नंबर इस टाइम देखो ये टाइप भी सेम है इनका वैल्यू भी सेम है सो इस टाइम मैं कह रहा हूँ ये इक्वल नहीं है जबकि इक्वल है तो इस टाइम ये फॉल्स आएगा एंड जब मैंने स्ट्रिंग बना दी तो मैं कह रहा हूँ इक्वल नहीं है जो कि सच्ची बात है इक्वल कैसे हैं ये ये स्ट्रिंग है नंबर है सो ट्रू आ गया आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी राइट आई होप तुम्हें समझ आ गए सो वापस कमिंग बैक टू आप कोड ये दो चीज़ें मैंने एस टीज़ कर दी सो so, अब ये तुम्हें पता है यहाँ कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू बल्कि ट्रिपल कर देता है मुझे नंबर ही चाहिए एग्जैक्ट ठीक है सो मैंने कहा अगर आइसक्रीम की वैल्यू टेन है तो करो ये कौनसा लोग एल्स इफ, वरना अगर कंडीशन कुछ और हो देता है आइसक्रीम की वैल्यू है थर्टी सो so, क्या कर दो तो नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करो अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा सेव आइसक्रीम इज ब्लू लगून मैं रिफ्रेश करूँ बार बार ही आएगा क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू है बट जैसे मैं इसको थर्टी करता हूँ सो अब आएगा आइसक्रीम इज़ कौन सो तो आई होप ये बेसिक चीज़ समझ आएगी फेल्स कैसे काम करता है अगर ये कंडीशन होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा अदरवाइज इसकी कंडीशन होगी तो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा बट आई नो तुम हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया हुआ जो मेरे भी दिमाग में आता था पहले जब मैंने सीखी थी कि ये क्या है क्यों कर रहे हैं ऊपर दिख तो रहा है ना ऐसे लिखने की जरूरत है राइट ऑब्वियसली ऊपर दिख रहा है क्योंकि हमें दिख रहा है क्योंकि स्टैटिक वैल्यू है बट जब डायनामिक वैल्यू आएगी मतलब ऑन द स्पॉट वैल्यू कैसे आएगी वो अभी के लिए एक प्रॉम्प्ट होता प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ पहले जैसे मैंने दिखाता है एक अलर्ट अलर्ट में मान लो मैं लिख दिया है सेव करूँगा अलर्ट आ गया ऐसे को था हमारे पास प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ टाइप नंबर एंटर करता तो हूँ देखो आ गया टाइप नंबर मैंने लिखा ट्वेल्व ओके okay किया तो इसको ट्वेल्व मिल गया पर हमने कहीं स्टोर नहीं किया हुआ सो so, अगर मैं दिखाऊं, दिखाऊँ लेट आंसर इज इक्वल टू उसमें आंसर में स्टोर कर लिया जो भी नंबर मिलेगा अब मैं कौन सा कर देता हूँ आंसर को सो so, मैंने ये किया यहाँ पर मैंने लिखा ट्वेल्व ओके okay किया ट्वेल्व आ गया मुझे राइट समझ गए क्योंकि ट्वेल्व भी एंटर किया था अब इसके बजाय मैं कर देता हूँ ये तो वही मिल जाएगा सो द मेन पॉइंट इज़ इसको मैं इसमें स्टोर करने की बजाय आइसक्रीम में स्टोर करूँगा सो लेट आइसक्रीम जिसकी इनिशियल वैली कुछ नहीं है ये है अब मैं डालता तो हूँ टेन तो मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा क्यों क्योंकि अगर मैं यहाँ दिखाऊँ कौन सा लॉक करके आइसक्रीम को आइसक्रीम को करा मैंने आइसक्रीम को कौन सा लॉक किया मैंने डाला टेन टेन ओके okay किया यहाँ मिल गया अब एक चीज़ दिखाओ इससे आगे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था ऑपरेटर टाइप ऑफ टाइप ऑफ अब मैंने डाला टेन तो ये दिखा देगा कि क्या टाइप है स्ट्रिंग है बट मैंने साफ साफ क्या रखा है टाइप भी मैच होना चाहिए ये क्या है ना मैंने कि नंबर होना चाहिए क्योंकि ये नंबर है राइट और ये जबकि स्ट्रिंग मिल रही है सो मैं क्या कर सकता हूँ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में टाइक वर्जन बताया था तो या तो मैं कर दूँ इसे कट और मैं लिख दूँ नंबर स्ट्रिंग आए या जो भी आए मतलब स्ट्रिंग आएगी उसे नंबर में कन्वर्ट कर दो सो so, अब जैसे स्ट्रिंग मिलेगी टेन वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस so, मैं क्या रिलोड मैंने डाला टेन ओके सो इस बार आ गया आइसक्रीम ब्लू लागू मैंने क्या रिलोड थर्टी डाला इस बार आ जाएगा कौन सो so, यह मैच कर रहा है इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है हाय है हाँ. अगर मैं नंबर ना लिख के ऐसे लिखूँ स्ट्रिंग मिलेगी उस केस में मैं अगर ये हटा देता हूँ इक्वल्स टू मैं रिलोड किया इस बार मैं डालूंगा टेन तो ऑब्वियसली फिर से मैच हो जाएगा क्योंकि इस बार टाइप चेक ही नहीं कर रहा है ये नंबर है यहाँ हमें स्ट्रिंग की वैल्यू मिली है उससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ टेन है यहाँ टेन है मैच हो गई बात ख़त्म और अच्छी अप्रोच कौन सी है देखो मेरी मानो तो ये वाली अच्छी अप्रोच है जब हम नंबर से रैप कर देते हैं क्योंकि उसमें क्लियर रहता है कि नंबर ही मिला है ना चाहिए नंबर मैंने डाला टेन मुझे मिल गया आइसक्रीम स्क्रीम रीलोड किया थर्टी डाला मुझे मिल गया ये अब मैंने कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर डाल दिया ओके कर दिया इसमें कुछ नहीं मिला सो so, उसके लिए हमारे पास है थर्ड ब्लॉक एल्स ब्लॉक खाली एल्स इसमें कोई कंडीशन नहीं है इसमें सिर्फ कोड आता है सो so, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन मैच हुई तो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे कंडीशन मैच हुई तो एग्जीक्यूट होगा तीसरा वाला है कि जब कंडीशन मैच ना हो कोई भी तो दिस वर्क्स एज अ डिफॉल्ट कोड जब इनमें से कोई मैच नहीं होगी तो तीसरे वाला ये अगर आइसक्रीम के लिए टेन होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा थर्टी होगी तो ये इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू हो नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा so, सो यहाँ पर ओपन लोग करते हैं आइसक्रीम इज रैंडम मैंने डाला ये आइसक्रीम इज रैंडम रिलोड गया टेन ब्लू लगून रिलोट गया आइसक्रीम इज रैंडम सो आई आई थिंक ये समझ में आ गया तो मैं कैसे काम करता है अब एक चीज़ और दिखानी है इसको कमेंट करता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट लेकिन उसके पहले टर्नरी ऑपरेटर होता है वो और दिखा देता हूँ उसमें हम क्या कर देते हैं वो एक लाइन का ही होता है टर्नरी ऑपरेटर बट वो मैं अभी नहीं सिखा रहा आगे से मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता सो अभी मैं सीधा सिखाता हूँ स्विच स्टेटमेंट अगर स्विच स्टेटमेंट ये कीवर्ड लो उसके बाद आगे आगे जिसको हमें टारगेट करना है इस केस में आइसक्रीम को वो लिख दो तो अगर मैं सेंटाइज दिखाऊँ इसका इस पर क्लिक करके तो देखो ऊपर की आ गई जिसको टारगेट करना है अभी के केस में हमें आइसक्रीम को टारगेट करना है ना आइसक्रीम की वैल्यू को हम एनालाइज़ कर रहे हैं सो ऊपर डाल दिया आइसक्रीम अब यहाँ केस आएगा पहला और नीचे डिफॉल्ट के जैसे एल्स वाला था सो तो इसमें फर्स्ट केस क्या होगा अगर वैल्यू है वैल्यू क्या है वैल्यू है टेन यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा आइसक्रीम की वैल्यू है टेन क्योंकि ऊपर टारगेट ही हम आइसक्रीम को कर रहे हैं जब तो वहाँ सिंपल कर दिया अगर वैल्यू आई टेन केस टेन आइसक्रीम की वैल्यू मतलब टेन है उस केस में हम कुछ दे सकते हैं जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट कराना हो तो हमें ये कराना ब्लू लगून इसे कामेंट करो कामेंट हटाओ उसके बाद यहाँ ब्रेक हो जाएगा राइट ब्रेक क्या मतलब नीचे की एग्जीक्यूट ही नहीं होगी इसके अलावा एक और केस बनाया था नीचे ऐसे ही और केस थर्टी इस केस में हमें क्या करना आइसक्रीम इज कोन सेव किया मैंने मैंने कहा आइस केस टेन है आइसक्रीम के लिए टेन है तो ये कर दो ब्लू लगून आइसक्रीम लिए थर्टी है तो ये कर दो एंड डिफॉल्ट केस में ये वाली लाइन डाल देते हैं बस सेव रिलोड किया टेन डाला आइसक्रीम इज ब्लू लगून रीलोड किया थर्टी डाला आइसक्रीम इज कॉन रिलोड किया कुछ भी रैंडम डाला एंड आइसक्रीम इज रैंडम तो ये भी काम कर रहा है ईफेल्स भी काम कर रहा है दोनों में से कौन सा बैटर है दोनों बैटर हैं अपने अपने टेस्ट है दोनों का कुछ जगह पर इफेल्स काम आता है कुछ में स्विच काम आता है और देखो अगर मैं ब्रेक हटा दूँ ब्रेक हटा दिए राइट अब क्या होगा अब मैं डालूँगा टेन और क्योंकि ब्रेक नहीं लगे हुए तो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाएगी तीनों हो आ गए इसलिए तो इसलिए ब्रेक ज़रूर लगाना हर कंडीशन के बाद ये मैंडेटरी है राइट right? सो so, ये हो गई स्विच स्टेटमेंट इफ एल सीख लिया तुमने तुमने स्विच स्टेटमेंट सीख ली अब देखते हैं लूप्स लूप्स बहुत अच्छी चीज़ है सो so, सबसे सब पहले देखते हैं फॉर लूप अभी पहले लूप से ही तुम्हें पता लग रहा है बार बार एक सर्कल रिपीट करना जैसे कि मैंने कहा कंसोल लॉक करो ए को ए को, टेन टाइम्स तो तुम ये कर सकते हो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये क्या दस बार आ गया हज़ार बार करना था तो दोबारा टाइप करते हैं नहीं यहाँ पे लूप्स काम आते हैं अगर मैं सब हटा के सिर्फ ए रखूँ और यहाँ लिख दूँ फोर उसके बाद ये ब्रैकेट पैरन्थेसिस उसके बाद नीचे हमारा एग्जीक्यूशन चले गया सो so, यहाँ मैंने लिख दिया कन्सो लॉग ए अभी यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें देनी है सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है सो लेट आई इज आई कर दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है राइट अभी इसका सेंटेज देख के डरना मत एकदम से अब मैंने क्या किया मैंने लिखा सेमी कॉलन लेट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख दिया सबसे पहले एक वेरिएबल इतना समझ में आया एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू ज़ीरो है अब सेकंड चीज़ रखनी है हमें कि कब तक चलाना है लूप मैंने कहा जब तक i की वैल्यू 10 से कम है तब तक चलाना है ठीक है तब तक चलाना है और तीसरी चीज़ कि हर एक आइट्रेशन के बाद आइट्रेशन मतलब मतलब पहली बार लूप चलेगा उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगा उसके बाद तीसरी बार, बार लूप चलेगा तो ये जो बार बार हो रहा इस है इसे आइट्रेशन बोलते हैं पहली बार आइटरेट हुआ दूसरी बार आइट हुआ तीसरी बार आइटरेट हुआ तो जो मैं बोल रहा हूँ लूप चलेगा वही आइट्रेशन ठीक है सो पहली बार होगा कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है उसके बाद हो गया कब तक चलाना है लूप तीसरी चीज़ हर एक आइट्रेशन पे हर एक लूप पूरा होने पे क्या करना है सो so, मैंने कहा आई के वैल्यू में एक प्लस कर दो सही है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन इतनी चीज़ कर दी सो so, पहली बार आई के वैल्यू है ज़ीरो लूप चला दूसरी बार आई के वैल्यू में वन प्लस हो गया तो so, आई के वैल्यू जीरो थी उसमें वन प्लस हुआ तो वन ही हो गया ना वापस सो so, पहली बार लूप चला ज़ीरो दूसरी बार लूप चला आई की वैल्यू वन तीसरी बार में टू फोरथ टाइम में फोर ऐसे लूप चलता जाएगा कब तक जब तक आई की वैल्यू टेन से कम है मतलब जब तक आई की वैल्यू नाइन नहीं हो जाती नाइन वैल्यू पे लास्ट टाइम चलेगा क्योंकि टेन होती तो लूप ब्रेक हो जाएगा ना सो so अगर मैं सेव करता हूँ सो देखो दस बार ए प्रिंट हो गया ये नंबर आ गया टेन अगर मैं इसके बाद इसके पास जीरो कर दूँ और देखो क्या होगा सौ so बार चल गया एंड इसके अलावा क्या करता हूँ मैं इसके अलावा एक मैथ डॉट रैंडम होता है वो क्या करता है वो फंक्शन है ये कुछ भी रैंडम जनरेट कर देता है जीरो से लेके कर वन के बीच में मतलब ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट थ्री कुछ भी कर सकता है सो ये फंक्शन में मैंने कॉल किया अब ये दस बार प्रिंट होगा तो दस के दस बार अलग वैल्यू आएगी सेव करता हूँ ये देखो दस बार अलग वैल्यू आ रही है और ये इसको देख के घबराना मत आगे पूरा मैथ ऑब्जेक्ट सीखूँगा क्या है राइट right? सो so, तुम्हें लूप समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है इसके अलावा अगर मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ हाय देखो ये हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ अब तुम देखोगे इसकी कंट्री डबल ही हो गई क्योंकि एक बार ये हुआ एग्जीक्यूट तो यहाँ से यहाँ तक ये पहला एग्जीक्यूशन दूसरा एग्जीक्यूशन ये दूसरा एग्जीक्यूशन तीसरा एग्जीक्यूशन चौथा एग्जीक्यूशन अब मैं जितना चाहे नीचे प्रिंट कर सकता हूँ मान लो हेलो सब्सक्राइब हाए चैनल अब मैं सेव करूँगा तो पहले नंबर लिखा है हाई लिखा हेलो लिखा है सब्सक्राइब और चैनल इसके बाद जाके एक लूप कंप्लीट होगा और ऐसे दस बार प्रिंट होगा सो देखो कितना सारा आ गया नंबर हाय हेलो सब्सक्राइब माय चैनल फिर सेम चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी दस बार ठीक है और अगर मैं रहने वाली चीज़ हटा दूँ सेव और ये देखो हाई में आ गया सो so तुम्हें लूप पता लग गया अब यहाँ कंडीशन में कुछ भी दे सकता हूँ मैं बोल रहा हूँ एक के बजाय दो बार दो ऐड करो इस बार पांच बार चलेगा लो। क्यों क्योंकि ओब्वियसली हर एक आइट्रेशन पे डबल स्पीड में पड़ेगा ना जैसे समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ यहाँ पर पहले बारी में आई की वैल्यू जीरो है उसके बाद वन हुई उसके बाद टू हुई उसके बाद थ्री हुई उसके बाद फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन ये कब हुई जब मैंने वन प्लस किया लेकिन जब मैं टू प्लस कर रहा था तो पहली बार के बाद टू हुई फोर हुई सिक्स हुई एट हुई तो पाँच बार ही चल पाया लूप उसके बाद अगर दो और प्लस होता तो टेन के इक्वल हो जाता जो कि कंडीशन गलत हो जाती टेन से छोटे होना चाहिए आई तो इसलिए पाँच बार चला सो हम कुछ भी देख सकते हैं कंडीशन अब जनरली क्या होता है जैसे मुझे वन ही देना था मान लो तो इसे देने के बजाय हमारे पास और भी अच्छा तरीका है क्या करेंगे हम आए प्लस प्लस ये शायद मैंने बताया भी था पहले फर्स्ट वीडियो में इससे क्या होता है अगर मैं कौन सा लॉक करूँ सिर्फ आई को आई को है तो ऊपर मैं बना लिया आई इजल टू जीरो आई को करूँगा तो आई की वैल्यू आएगी ये लेकिन आई प्लस प्लस कर दूंगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट तो होगी लेकिन अगले स्टेप पे सो तो अगर मैं अब कौन सौ लोग करूँगा आई को तो पहली बार आई की वैल्यू ज़ीरो हुई इस स्टेप के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी तो यहाँ वन मिली लेकिन इसकी बजाय मान लो एक बार और प्रिंट किया कौन सौ लोग ऐसे तो इस वक्त जहाँ प्रिंट हो रहा है यहाँ पर आई की वैल्यू वन है यहाँ पर आई की वैल्यू टू है देखो सबसे पहले आई की वैल्यू इस केस में ज़ीरो यहाँ पे वन पहुँच चुकी थी यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो यहाँ भी बनी थी यहाँ के बाद टू पहुँच गया लेकिन इसके बाद अलावा हमारे पास एक और चीज़ है हम क्या कर सकते हैं प्लस प्लस आई इसमें इसी स्टेप पे इंक्रीमेंट हो चुकी होगी वैल्यू सो तो यहाँ पे जो आएगा जीरो प्रिंट नहीं होगा सीधा वन प्रिंट होगा वन यहाँ पर ही रहेगी यहाँ पे वन रहेगी इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ सो so, इसको भी अगर मैं कर देता हूँ पहले ही इंक्रीमेंट यहीं पे, सो so, इससे क्या होगा कि इस स्टेप पे टू मिलेगा हमें ये देखो ऐसे सो so, यहाँ पे जनरली हम करते हैं प्लस प्लस आई ताकि हर स्टेप पे इंक्रीमेंट होता रहे राइट सो so, ये था हमारा फॉर लूप अभी ऐसे और लूप भी हैं हमारे पास जैसे कि अभी फॉर लूप का सिर्फ ये प्रिंट कराने के काम नहीं हम कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं बार बार अभी तुम आगे एरेस पढ़ोगे तो उसमें अगर कुछ इंसर्ट करना हो तो लूप की हेल्प से ही होता है वो सब भी तो आगे देखेंगे खैर वो तो इसके अलावा हमारे पास लूप है वाई लूप इसका सेंटेक्स दिखाऊँ तो इसका और भी सिंपल सेंटेक्स है लाइक ऊपर कंडीशन लिखो और नीचे एग्जीक्यूशन स्टार्ट सो so, मान लो उसमें हमें जैसे फॉर लूप में कंडीशन के अंदर ही वेरेबल इन्स्टलाइज करते थे इसमें ऐसा नहीं इसमें है इसमें हमें ऊपर करना पड़ेगा लेट आई इजिकल टू जीरो मान लिया मैंने ठीक है मैंने कहा जब तक आई की वैल्यू टेन से कम है सेम कंडीशन रख रहा हूँ मैं ध्यान से देख रहा हूँ जब तक इससे इसकी कम है जब तक कंसोल डॉट लॉक कर दो हेलो अब मैं प्ले करता हूँ और ये प्रिंट होके बढ़ते, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बताओ क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि सो ये बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है और ये कंडीशन सच है जब तक ये कंडीशन सच रहेगी प्रिंट होता रहेगा क्या कंडीशन है जब तक आई की वैल्यू टेन से कम है प्रिंट हो तो पहली बार लूप चला आई की वैल्यू ज़ीरो तो प्रिंट हुआ दूसरे बार लूप चला आई की वैल्यू तो अब भी जीरो तो ये जिंदगी भर तक चलता रहेगा लूप आई की वैल्यू क्योंकि बढ़ नहीं रही है और ये कंडीशन सच रहेगी तो लूप चलता रहेगा इसलिए हमें क्या करना है लूप जैसे एंड होने वाला हो हम कर देंगे आई को प्लस प्लस इसलिए अब क्या हुआ अब सिर्फ दस बार चला क्योंकि पहली बार चला था तो उसकी वैल्यू वन हो गई दूसरी बार चला रहा टू हो गई तीसरी बार चला रहा थ्री हो गई ऐसे ही ये दस बार चला और ये ख़त्म अगर मैं इसको कर दूँ इलेवन तो अभी इलेवन बार चल जाएगा क्या हो गया उसमें राइट सो आई होप तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा सेम कंडीशन रखी है मैंने फॉर लूप और इसकी ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए राइट right. अभी कौन सा लूप बैठा है मत पूछना दोनों अपनी जगह पे सही है दोनों का अलग काम आता है राइट right. इसके अलावा हम, हमारे पास है एक और लूप डू वाइल लूप जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है तो अगर मैं देखा उसका सिंटेक्स डू वाइल यहाँ पे बेसिकली डू पहले है और कंडीशन बाद में है सो so, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ऊपर जो हमारा वाइल लूप था वो आप इससे पेज और इसको कमेंट कर दिया अब इसमें इसमें फ़र्क समझाता हूँ मान लो मैंने कहा कौन सा लॉक करो इसको राइट right. जब तक करो जब तक कि आई की वैल्यू अगेन यही सेम कंडीशन सो so, पहले तो तुम देखो और ये भी प्रिंट करना है सो सेम रिज़ल्ट आया तो इस मोरिज में, में क्या फ़र्क है क्या है वाइल और इसमें फ़र्क जब सेम ही रिज़ल्ट आना है देखो इसमें क्या होता है कि इस मोरिश में बहुत माइनर सा फर्क है और तुम्हें कोड देख के पता लग हो जाता होगा कि पहले एक बार एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बाद कंडीशन चेक होती है इसमें क्या कंडीशन चेक होती है उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है तो इसके पास एक एज है कि पहली बार का इट्रेशन होता ही होता इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको कर दूँ कामेंट इसको मैंने दोबारा अनलॉक कर दिया अब मैं सेव करूँगा अगेन दसा जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है बट यहाँ पर अगर मैंने कर दी इसकी वैल्यू टेन तो कुछ नहीं आएगा प्रिंट हो क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू टेन है ये कंडीशन कभी सच होगी नहीं क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ कि जब तक आई की वैल्यू टेन से कम है जब तक ये लूप चले बट तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि आई की वैल्यू टेन से कम है ही नहीं तो लूप कभी चलेगा नहीं जिंदगी में सो ये था वाइल्ड लूप लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो हमने कह दिया सबसे पहले ये प्रिंट कर दो ये कर दो उसके बाद फिर अगली एल्ट्रेशन से चेक करो कंडीशन तो पहली बार तो ऐसे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ही चेक ही नहीं हो रही उसके बाद से कंडीशन चेक होनी स्टार्ट होगी सो तो सेव करूँगा एक बार हेलो हो जाएगा उसके बाद से अगेन ये लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है सो so, वाइल वाला सेम काम है बस एक बार एग्जीक्यूशन पहले स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पायाँगा वाइल और डू वाइल में फर्क राइट सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो चिलर तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप चैनल सब्सक्राइब करो और मेक श्योर की प्लेलिस्ट ऐड करो क्योंकि आगे इसमें वीडियोज़ आने वाली हैं राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग